नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एमएक्स प्लेयर पर और हंगामा पर हमारा वेब सीरीज जा रहा है थोड़ी सी शादी के लिए, तो इसके राइटर हैं हमारे मनोज के सिंह और हमारे सबसे बड़ी बात है प्रोड्यूसर, जुनूनी प्रोड्यूसर विजय सेट्ठी जी हैं और मैं इस वेब सीरीज का डायरेक्टर हूँ विजय के सैनी और इनकी हीरोइन है पिंकी सिंह जी। और ये कई उस पर OTT पे आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मनोज जी इस थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और कुछ बताएं। सर ये भी जानना चाहेंगे, आपने एक कलाकार का नाम लिया और कौन-कौन से कलाकार जी के बारे में भी। सबसे बड़ी बात है कि पिंकी के साथ साथ रितु सिंह है जो आजकल भोजपुरी में बहुत हिट एक्ट्रेस है, प्रकाश जैस है बहुत अच्छा एक्टर है, संजय सिंह है, बापरे का अपना पप्पू बापरे नाम बताओ ना, रतन सिंह बड़ा मेरा प्रिय एक्टर रतन सिंह, मनीष भंडारी, धर्मेंद्र जायसवाल, ऐसे कई एक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम किया और बहुत मतलब मैं तो डायरेक्टर हूँ, जब मैंने शूट किया तो मुझे मज़ा तो आ ही रहा था, जब अभी हम लोग एडिट टेबल पे थे तो इतना हंस रहे थे कि पूछिए मत, इतना मज़ेदार वेब सीरीज बनाए हैं और मनोज जी ने कितना अच्छा लिखा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरह की स्टोरी है, क्या कुछ ये एक इसमें एक मैसेज भी है कॉमेडी के साथ साथ, मैसेज ये है कि अंधविश्वास के पीछे भागने का अंजाम क्या होता है। इसमें जो हमारा हीरो है इंस्पेक्टर है, वो एक नाबालिग लड़की जब शादी हो रही हो, एक लड़की की जब शादी हो रही है तो जबरदस्ती वो लड़का उसे उठाकर शादी कर रहा है, पप्पू बापरे नाम है उसका, तो वो उस लड़की की पसंद के लड़के से शादी करा देता है इंस्पेक्टर और फिर अपना हाथ दिखाता है ज्योतिषी को कि मेरी शादी कब होगी, तो ज्योतिषी बोलता है कि तुम्हारी शादी अगर 5 साल के अंदर नहीं हुई तो तुम ठीक 5 साल में मर जाओगे। अब ये सुन के वो जो गुंडा, तो अपना जो विलेन है पप्पू बापरे, वो चाहता है कि इसकी शादी किसी भी हाल में नहीं होने दें ताकि वो बिना मारे ही मर जाए, और इंस्पेक्टर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी लड़की मिलती है उसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है कि मैं इसे शादी करूँगा। इस पर पूरी कॉमेडी। सर ये जानना चाहेंगे फिल्म पूरी कॉमेडी है, जो एक्टर्स है बहुत सारे एक्टर्स के यहाँ पे किस प्रकार से सर ऑन बोर्ड आए, उस बारे में सर बताइए कि जब पूरी कहानी आपने सुनाया कि वेब सीरीज होने वाली है तो कैसे कैसे वो सब उससे जुड़ते हैं। देखिए विजय सेठी जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मनोज जी से हम लोग से एक राय किया कि कॉमेडी वेब सीरीज बनाते हैं जिसके हंगामा के लिए, हंगामा भी तैयार हुआ तो हम लोग उस पर लग गए। कास्टिंग सबसे बड़ी था कि भले आप देख रहे हो कि हमारे उसमें वेब सीरीज में भोजपुरी एक्टर हैं लेकिन भोजपुरी कहीं से हमारा वेब सीरीज नहीं, क्योंकि वो जो हमारी स्टोरी थी जो मनोज ने लिखा था पूरे गाँव की और ऐसी भाषा की थी कि हमें थोड़ा सा एक्टर लेने पड़े, चुनाव करने में थोड़ा टाइम भी लगा लेकिन सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और इसके कल्चर, इसके कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो भोजपुरी का है लेकिन कहानी पूरी हिंदी की, और डायलॉग्स भी हिंदी के हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी आर्टिस्ट भी हिंदी के ही हैं लेकिन कुछ लीड आर्टिस्ट जो है ना एक दो हम लोगों ने हिंदी भोजपुरी फिल्मों से रखा। हाँ सर ये भी जानते हैं शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है। शूटिंग हमने नासिक में किया और कुछ बॉम्बे में किया, ज़्यादातर 85% हमने नासिक में किया। सर कॉमेडी बेस है, कुछ कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे जो बहुत कॉमेडी होगा, जो उसमें नहीं था आपके स्टोरी में नहीं थी लेकिन वो हो चुकी उसके अंदर, वो इस तरह की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे। देखिए कई है, जब हम डायरेक्ट करते हैं तो कई ऐसे मोमेंट आते हैं कि एक तो बहुत कम लोग मतलब कॉमेडी कर पाते हैं, उनको सिचुएशन क्रिएट करना बड़ा भारी होता है। कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट आए कि हम लोग सेट पे एक मरने का सीन था कि हमारा हीरो मर जाता है, उसकी शादी नहीं होती है और सब लोग रो रहे हैं, तो सब लोग उसके छाती पे पीटने लगे और रो रहे हैं, तो वो उठ के बैठ गया, फिर सब लोग मतलब कई ऐसे मोमेंट आए कि हम लोग अपने हंसी को रोक नहीं पाए और हंसते रहे। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहें, किस तरह का किरदार इसके अंदर है? मेरा जो कैरेक्टर है वो रेखा का है और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि इसके पहले मैं एक कॉमेडी यूट्यूब के लिए शुरू किया था मैंने सैनी जी के साथ में ही, और वो उस मतलब उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था बट हमारी ये स्टार्टिंग थी और आई थिंक वो भी बाद में ही हुआ था, तो मेरे लिए वो मतलब वो भी बाद वाला अटेम्प्ट था। तो पहला अटेम्प्ट जब मुझे शेट्टी जी ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मैंने कहा कॉमेडी, उसके पहले आज तक कॉमेडी की ही नहीं, मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कॉमेडी का कोई ऑडिशन भी किसी ने कभी मांगा नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक रॉन्ग कास्ट हो सकती हूँ क्योंकि आई डोंट नो मैं कैसा कर पाऊँगी। लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और जैसे मैंने इसको परफॉर्म करना शुरू किया मुझे बहुत मज़ा आने लगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान में एक जो कॉमेडी, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो छुपा होता है,
और कुछ लोग उसको निकाल देते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो जब आपको वैसी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आपको और हेल्प हो जाती है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो चैलेंजिंग तो है क्योंकि पहली बार करूँगी, लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूँगी तो बहुत अच्छा कुछ निकल के आ सकता है। और दूसरी लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि एक टोन रखा है कि ये हम का वही तो कह रहे हैं, मतलब इस टाइप की जो बिहारी भोजपुरी जो टोन होती है वो पकड़ के उसमें कॉमेडी करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि शेट्टी जी ने एक ऐसा मौका दिया जो अब कभी से ऐसे कोई स्क्रिप्ट या कैरेक्टर आता है तो मुझे उसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है। और अब मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी उस टोन को पकड़ने में। तो आई ये भी कहना चाहेंगे कि जो एक्टर हैं इसके अंदर बहुत नामचीन है, भोजपुरी के प्रधान जैसे की बात करें, दूसरी की बात करूँ, संजय जी की बात करूँ, बहुत अच्छे कॉमेडियन कलाकार हैं, बहुत नामचीन है। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली जो धर्मेंद्र जी के साथ कर चुके थे, लेकिन आई थिंक मनीष जी और धर्मेंद्र जी के कंपैरेटिवली वो ज्यादा उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे। आई डोंट नो वो उसी से है कि नहीं, तो वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे कि अच्छा तुम इधर बैठो, और एक तो उनकी आवाज़ भी भारी है तो ऐसे करोगे वैसे करोगे, और इसको ऐसे लेना उसको वैसे लेना, तो मैं थोड़ा सा सीरियसली भी ले लेती थी उनकी आवाज़ की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, तो उनके साथ काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। बाकी एक कंफर्टेबल जोन इसलिए मिला क्योंकि जब आप ऐसे सेट पर जाते हो जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आप फिर बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को रखते हो कि नहीं यू नो मैं इसको नहीं जानती, लेकिन जब आप आधे से ज़्यादा टीम के लोगों को जानते हो और स्पेशली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोगों को जानते हो, फिर आर्टिस्ट लोगों को जानते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा वो मिल जाता है कि यू नो अब मैं इसको और बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हो। ऋतु के साथ पहली बार काम किया था और फिर और भी दो तीन आर्टिस्ट थे, भी नहीं ज़्यादातर लोग नहीं, हाँ जी, और तो तीन चार और फीमेल आर्टिस्ट थे, अभिलाषा एंड वन मोर गिल किरण, तो उनके साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही, तो बड़ा मज़ा आया। और अब ये करके मुझे समझ में आया कि क्यों हमारी इंडस्ट्री में कुछ जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अपनी एक टीम के साथ काम करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। सर ये जानना चाहेंगे हिंदी सीरीज है और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो लैंग्वेज यूज की है वो हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके भी कॉमेडी टोन लाने की कोशिश की है। हाँ, क्या पहले ये प्लानिंग थी कि हिंदी पूरी तरह से करेंगे, बाद में प्लानिंग चेंज हो गई? ठीक है, गाँव की कहानी है जी, गाँव की कहानी हमको ये तय करना है कि हमारा ऑडियंस कहाँ का है मैक्सिमम जो इसको देखने वाले हैं, तो नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट आते हैं, तो जो हमारे आर्टिस्ट लोग थे मैक्सिमम यूपी और बिहार से थे जो हम लोगों ने फाइनल किया था, तो हम लोगों ने वही टच रखा एकदम भोजपुरी का, हल्का सा टच है सिर्फ, उनका एक्सेंट है जो भोजपुरी का है, बाकी तो उसका ये कह रहा था जैसे एक सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन आता है उसमें इन्होंने जो पूछा कि थोड़ी सी शादी कर ले क्यों, तो ज्योतिषी ने जब बोला है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम मर जाओगे, अभी एनी हाउ किसी भी लड़की से शादी करना चाहता है, जैसे रितु सिंह एक कैरेक्टर में उसका नाम तितली है, उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो रितु बोलती है कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, तो अपना हीरो बोलता है कि ठीक है प्यार उससे करना लेकिन मेरे से शादी करो, क्योंकि मेरे को अगर नई शादी होगी तो मैं तो मर जाऊँगा, तो उसको मतलब इमरजेंसी है शादी करने की, इसके लिए बोलता है कि थोड़ी सी शादी कर लो ताकि मैं बच जाऊँ। जी सर, थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा आगे वेब सीरीज से ओटीटी पे लेके आने सर, और उस बारे में बताइए सर कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये आने वाले हैं? वो तो चालू हो गया, आ रहा है, एमएक्स प्लेयर पे आ रहा है, हंगामा पे आ रहा है, एयरटेल पे आ रहा है, और वोडाफोन आइडिया पे है, अमेज़न 15 ओटीटी पे शायद आ रहा है, 15 जगह पे, 15 ओटीटी, अमेज़न स्टिक पे है, वोडाफोन आइडिया पे है, एयरटेल स्ट्रीम पे है, हंगामा पे है, एमएक्स प्लेयर पे है, और बाकी मुझे याद नहीं है कितने जगह हो गए। बस अभी सर मुझे बोलना चाहेंगे कि किस तरह का बिहेवियर रहा, किस तरह का स्वभाव रहा उनका? देखिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं विजय सेट्टी जी, उनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। विजय सेट्टी हम लोग साथ में एक हम शो दुबई में कर रहे थे, ख्वाहिश, हमने उसका डायरेक्टर वो बेचारा उसमें सामगढ़ी था, लेकिन एक जुनून था विजय सेट्टी, वो जुनून आज विजय सेट्टी के यहाँ तक पहुँचा है। हमने एक प्रगति सीरियल बनाया जो DD1 का बहुत सुपरहिट सीरियल था, हम लोग जयपुर शूट कर रहे थे,
सिट्ठी जो हमारे प्रोड्यूसर है ना उनके सिर्फ भाई साहब हैं, शर्माते बहुत हैं, लेकिन उनका एक होता है कि भाई क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करना। एक डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि बजट कम है उसमें हमको क्वालिटी अच्छी दिखानी है, तो सिट्ठी की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कहीं कम्प्रोमाइज नहीं करना। और आज हम लोग इतने अच्छे कॉमेडी वेब सीरीज हंगामा पे लेकर आए सिर्फ सेठी जी की देन है। हम चाहते हैं सेठी जी के लिए सब ताली बजाइए।